किसी शायर ने लिखा है खेती करना इतना आसान नहीं है अगर खेती करना इतना आसान होता तो आज हिंदुस्तान का हर एक नागरिक किसान होता और उन किसान की समस्याओं को नजर रखते हुए ध्यान में रखते हुए आज एन की ओर से ग्राउंडनेट पैडी मल्टीग्रो हो चाहे वो सैड टोकरी हो चाहे वो बैड टोकरी हो इसमें मूँगफली की सेटिंग कैसे करनी है ग्राउंडनेट की सेटिंग कैसे करनी है उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से आज किसानों को बताएंगे सबसे पहले किसान साथी जो हैं इस मतलब थ्रेशर के अंदर दो बाई दो डब्बी चोरस डब्बी दो बाई दो डब्बी का ड्रम जाल ये वाला टुकड़ा और ये वाला दोनों ड्रम जाल मूँगफली का डालें मूँगफली का ड्रम जाल डालने के बाद में किसान साथियों ने क्या करना है इसके अंदर जो बारह फट्टी के थ्रेशर हैं छः फट्टी फोल्डिंग है और छः पट्टी साथ में बेल्डिंग की हुई है किसान साथियों ये छः फट्टी जो फोल्डिंग है उनको हटा देना है उनकी जरूरत नहीं है जो छः फट्टी वापस बोल्ट वाली रहेगी उसमें आपने क्या करना है इनकी भी ब्लेडें हटा देनी है उसके बाद में इसमें जो वोल्ट लगे हुए हैं वोल्टों में आपके क्या करना है एक वोल्ट डेढ़ से दो इंच की दूरी पर हो ड्रम जाल से दूसरे वोल्ट को बिल्कुल डाउन करना है एक वोल्ट लंबा एक वोल्ट बिल्कुल डाउन जो लंबा है वो ड्रम जाल से डेढ़ से दो इंच की दूरी हो इससे ज़्यादा ना हो और ये सभी ब्लेडें इसके अंदर हट जाएगी ये इसकी ड्रम जाल और रूटर की सेटिंग हो गई दूसरा जो सवाल है किसान साथियों के लिए इसके अंदर एक दो तीन चार और पाँच पाँच तलवारें दी गई है किसान साथी क्या करेंगे पंखे वाली साइड से एक तलवार छोड़कर दूसरी तलवार को हटा देंगे बिल्कुल ही दूसरी तलवार वो ना लगाएं किसान साथी जरा ध्यान रखें तलवारों को पंखे वाली साइड से एक तलवार लगी रहेगी दो नंबर की जो तलवार है उसको हटा दें अगर इसके चांद की बात या चौक प्लेट की बात करें कुछ साथी इसको चांद बोलते हैं कुछ साथी इसको चौक प्लेट बोलते हैं ये पूरी ऊपर की चौक प्लेट जो हट जाएगी इसके बाद में जो नीचे का चांद है गिल्ली मूँगफली के अंदर ये नीचे का भी चाँद हट जाएगा केवल ये ऊपर वाला चांद खुल जाएगा ये वाला ये चार इंची का चांद ये इसके अंदर लगा रहेगा ये गिल्ली मूंगफली की सेटिंग है अगर किसान साथी इसमें सूखी मूंगली निकालेंगे तो वैसे ही इनकी सेटिंग रखनी है ड्रम जाल वही रखना है सब बदलाव वही रखने हैं वैसे ही चौक चौक प्लेट मतलब वो रखना है तलवारें रखनी है लेकिन किसान जो है ये चोक प्लेट को लगाएगा ये चोक प्लेट को लगाएगा केवल ये तीन नुकर वाला ये चौक प्लेट केवल खोलेगा और नीचे का चौक प्लेट भी इसके अंदर लग जाएगा ये सूखी मूँगफली की सेटिंग है इसके अंदर और इसके बाद अगर इसके आर की बात करें राउंड की बात करें तो इसमें डबल पुली दी गई है जो फली के अंदर ग्राउंड के अंदर नीचे की पुली छोटी ऊपर की पुली बड्डी पर आप बेल्ट करके इसको चलाओगे इसमें क्या है कि आर जो ड्रम के हैं वो कम हो जाएंगे मूँगफली की फूटने की शिकायत नहीं रहेगी और अगर पंखे की बात करें तो पंखे के अंदर जो है तीन स्टेप दिए गए हैं एक नंबर दो नंबर तीन नंबर किसान साथी क्या करेंगे ये वाला नीचे वाली बड़ी पुली ऊपर वाली छोटी पुली यानी पंखे की हवा फुल रखनी है इसके अंदर ताकि मूँगफली का कचरा बारी होने की वजह से पंखा उसको उठा पाए यानी वो वाली पुली नीचे छोटी ऊपर बड़ी मेन शाफ्ट वाली और पंखे वाली पुली ये नीचे बड़ी ऊपर छोटी इससे आर ज़्यादा हो जाएंगे यहाँ पर मीडियम आर है और यहाँ पर कम है इस बात का भी साथ ही विशेष तौर पर ध्यान रखें और अगला जो मेन पॉइंट है इसके अंदर क्या है ये रिटर्न पाइप लगी हुई है किसान साथियों ने क्या करना है चाहे वो मूँगफली निकालें विशेष तौर पर मूँगफली के अंदर क्या करना है किसान भाई मूँगफली जो रिटर्न पाइप के अंदर नहीं आनी चाहिए आपने ये ऊपर वाली जाली डाल के रखनी है इसके अंदर ऊपर वाली जाली अगर डालेंगे तो मूंगफली का जो भी कचरा आएगा काचर आए या और भी कोई पत्थर वगैरह आए वो आगे जाके इधर चला जाएगा अगर ये ऊपर आप जाली नहीं डालोगे तो क्या होगा ये नीचे वाली जाली में चला जाएगा रिटर्न पाइप में चला जाएगा मूंगफली के बीज भी निकलेंगे और ये रिटर्न पाइप में शिकायत आएगी इसके पंखे टूटने की शिकायत रहेगी ये मूंगफली के अंदर किसान साथी है ये ऊपर वाली ये वाली डाली जाली डाल के रखें और इसके बाद में अगर चलने की जाली की बात करें तो जिन किसान साथियों ने मूँगफली की सेटिंग का सामान लिया हुआ है वो नीचे मूँगफली की जाली और ऊपर भी मूँगफली की जाली डाल करके इसको आप किसान जो है अपने हिसाब से सेटिंग कर सकता है और अगर किसी भी और की जरूरत पड़े तो वो कंपनी में या डीलर से संपर्क कर सकता है धन्यवाद